अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अदर न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे व्यूवर जितने भी हैं वो बोलते हैं कि टोयोटा हाईलैंडर की क्या डिमांड है और किस तरह की गाड़ी है वो, उसका मेरे हुए पर है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टोयोटा हाईलैंडर गाड़ी है माशाल्लाह। ये उबर करीम में चलती है, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आपने ये वीडियो में देखा भी होगा स्टार्ट में, तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये लेक्सिस 300 के बाद अगर मुझे कोई गाड़ी पसंद है तो वो टोयोटा हाईलैंडर है। बहुत अच्छी लाइट्स हैं इनकी, देखें लाइट्स बड़ी प्यारी हैं, ग्रिल बड़ी प्यारी है और कंफर्टेबल गाड़ी है। बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी नहीं है। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये बहुत पसंद है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाड़ी का रिव्यू अंदर से बताते हैं और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्राइस कितने हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आ जाए तो जी, आज अभी आपको अंदर से रिव्यू करवाते हैं गाड़ी का, अंदर से गाड़ी कैसी है। तो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, खुली है, कंफर्टेबल है। लैगेज पीछे ट्रंक भी इसका बड़ा है और 3 2 5 5 7 सीटर इसको गाड़ी को बोलते हैं, लेकिन 5 आदमी बहुत कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अंदर। आए जी आपको दिखाते हैं अंदर। ये देख रहे हैं जी, अंदर इसकी सीट्स चेक करें, सीट कितनी है जी, लेग स्पेस कितनी है, अच्छी है, आगे बंदा कंफर्टेबल बैठ सकता है। और इसके अंदर देखें फंक्शन कितने हैं, ये मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ जी। ये सलाम कंपनी लिमोजिन की गाड़ी है ये, और ये LCD दी हुई है इन्होंने। अंदर एक पानी का जो बॉक्स है, ग्लास, वो भी लगाया हुआ अंदर, और मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाएंगे ना। अच्छा, इसका भी जो सिस्टम है वो बैटरी और एनर्जी का है। देखें ये आपको देगी बैटरी, और हाइब्रिड गाड़ी है ये भी। इसके फंक्शन ये हैं, देखें ट्रैक, FM रेडियो, फ़ोन, ब्लूटूथ और वॉल्यूम, इंजन ऑफ, फ्रंट, जो ऑलमोस्ट सब गाड़ियों के अंदर होते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये सिस्टम है इसके अंदर। ऑटो गाड़ी है, ऑटो सिस्टम गाड़ी है ये। तो स्टीयरिंग के ऊपर भी माशाल्लाह इनके जो बने हुए हैं वो भी वही है, स्पीड लिमिट। लेकिन इसमें वो जो मैनुअल का दिया हुआ हमारा लेक्सिस के अंदर, वो सिस्टम नहीं है कि ऑटो गियर भी और मैनुअल गियर भी कर सकते हैं आप। तो ये 7 सीटर गाड़ी है, इसके अंदर अलहदा से इन्होंने डैशबोर्ड दिया हुआ। ये देखें, ये अलहदा से डैशबोर्ड दिया हुआ इनको डबल, और साउंड सिस्टम भी बड़ा अला किस्म का है ऊपर से। ये देखें, ये एयर बैग सनलाइट के लिए ये दिया हुआ सिस्टम, ठीक है। तो नीचे ये पावर पुश बटन है, की वाली नहीं है सिस्टम। और देखें ये होल्ड, ब्रेक्स और पार्किंग का भी दिया हुआ है ज़बरदस्त, और साथ में ये आर्म रेस्ट दिया हुआ है। ये देखें बॉक्स है एक हिसाब का पूरा। तो आप अंदर बैठ के इसके अंदर सामान, मोबाइल वगैरह कीमती सामान भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं ये बैक सीट्स पे। ये बैक सीट है जी, बैक सीट में पीछे इनको टेम्परेचर का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है। देखें ये वायर केबल की लगाई हुई है, और 3 आदमी पीछे बैठ सकते हैं, 2 आगे, 5 और पीछे, 7, 2 सीटें हैं पीछे लगा दी हैं जी। ये हो गई टोटल 2 2 3 5 और 6, 7वां ड्राइवर होगा आपके साथ। तो ये गाड़ी की बैक साइड है जी, इस पर आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से डिग्गी। ये देखें लगेज ट्रंक इसके ऊपर पीछे आ सकते हैं, ये सीट को आप फोल्ड भी करके यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। ये फोल्ड कर देंगे तो आपकी सीट्स और लंबी हो जाएंगी। ये बटन लगा हुआ साइड पे, बटन लगाने से ये आप ये जो खींचेंगे, पुश करेंगे तो ये सीट नीचे हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है लेक्सिस के बाद, तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। तो जी इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 163 कैश पे है ये गाड़ी। अगर इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो 173,000 है। तो इसकी पर मंथ की जो प्राइस है वो 7,700 बनती है इंस्टॉलमेंट। अगर कैश पे लेना चाहे आदमी तो कैश में भी मिल जाती है 163,000 की। लेकिन अभी गाड़ी ये शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट के मुराद के अभी मिल नहीं रही गाड़ी कंपनी से। तो जिस भाई ने लेनी हो तो इसकी डाउन पेमेंट 60,000 से लेके 42,000 तक भी है। आदमी ले भी सकता है इंस्टॉलमेंट पर भी, 10% पे लेगा तो फिर आपको 42,000 जमा करवाना पड़ेगा। उस हिसाब से बना लें कि कितनी अमाउंट बनती है। 22,000 रुपया आपने इसका एक्स्ट्रा देना होता है, जो बैंक फीस, डॉक्यूमेंट, RTA, नंबर प्लेट, 21-22,000 आपका फालतू लगता है, जो एक्स्ट्रा जो रिफंडेबल नहीं हो सकता। तो आपका जो डाउन पेमेंट है वो 1,77,170,000 में जो मिलती है गाड़ी, ये उसकी आप 10% पर देख लें, 17,000 या 18,000 रुपये अमाउंट बनती है। और अगर 20% पे लेते हैं तो ये तकरीबन 40,000 तक बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला।
आपके वो भैया ने रिव्यू के लिए काफ़ी बोला था कि आप हाईलैंडर के बारे में बताएंगे, हाईलैंडर गाड़ी कैसी है, तो मेरे लिहाज से ये 100% गुड है। अगर लेक्सिस के बाद अगर कोई गाड़ी का नंबर है तो वो इस गाड़ी का नंबर है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया करूँगा गाड़ियों के लिए, और आपको अगर पसंद आए गाड़ी तो ये लाजमी लीजिएगा 7 सीटर में। तो इसी के साथ और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये 1 लीटर में 2500 cc गाड़ी है ये, और 1 लीटर में आपको 20 किलोमीटर माइलेज देगी ये, 1 लीटर में 22 किलोमीटर आपको देती है, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, और इसी तरह प्यार देते रहें। जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का, बहुत शुक्रिया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।